हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं श्वेता, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल लेट्स लर्न एंड शेयर पर, जहाँ हम सीखते हैं बहुत कुछ। आज की इस वीडियो में बच्चों को ब्रश की आदत कैसे लगाए, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत मम्मियों की यही प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चों को कौन सा ब्रश ले, कौन सा टूथपेस्ट करवाए, मेरा बच्चा तो ब्रश करता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो बड़ा लेजी है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिसे आप फॉलो कीजिएगा और आप अपने बच्चों के अंदर कैसे चेंजेस आता है ज़रूर देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहली बात, जब भी आप बच्चों के लिए ब्रश लो तो हमेशा याद रखो कि ब्रश उनके फेवरेट कलर का ही हो, क्योंकि अगर उनके फेवरेट कलर का ब्रश हो प्लस उस पे कुछ टॉय जैसा बना हो, और ब्रश हमेशा बच्चों को बच्चों वाला ही यूज़ करवाए, बड़ों वाला ना, तो ये ब्रश बच्चों को बड़ा ही अट्रैक्ट करेगा और वो ब्रश अपने आप करना पसंद करेंगे। बच्चों का जो ब्रश होता है ना, उनके जो ये ब्रशेस होते हैं ना, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, जो उनकी टीथ को कोई हार्म नहीं पहुंचाते और बहुत इजीली वो ब्रश कर पाते, इसलिए हमेशा बच्चों को बच्चों वाला ब्रश ही यूज करवाइएगा। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप बच्चों के लिए ब्रश खरीदे ना, तो आप हमेशा देखें कि ब्रश के ऊपर कैप हो। इस तरीके का कैप जब आप ओपन करोगे, ब्रश यूज करोगे, फिर इस तरीके के कैप लगाओगे और ब्रश रख दोगे, इससे क्या होता है ना कि हम जब बच्चों का ब्रश यूज करते हैं और कभी कभी विदाउट कैप होता है, तो हम इस तरह रख देते, इस पे जर्म्स, मक्खी कुछ भी हो सकते, कुछ भी बैठ सकते, जो बच्चों के लिए हार्मफुल होते। और हम एज अ पेरेंट्स चाहेंगे नहीं कि हमारे बच्चे कुछ भी हार्मफुल चीज करे या कुछ भी हार्मफुल उनके साथ हो, तो इसलिए हम उनके लिए हमेशा कवर वाला ही ब्रश ले और कवर वाला ब्रश ही उन्हें यूज करवाए। अब बात करते हैं टूथपेस्ट की। अब हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को कौन सा टूथपेस्ट करवाए, जो बड़ों वाला कोलगेट होता है, बड़ों वाला टूथपेस्ट होता है, वो तो हम अपने बच्चों को ना करवाए, वो ही बेहतर है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो केमिकल होता ही है जो हमारे बच्चों के लिए हार्मफुल है, तो हमें वो टूथपेस्ट ना करा के बच्चों का एक छोटा बच्चों का टूथपेस्ट भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। जैसे मैं आपको एक टूथपेस्ट बताऊं, पतंजलि का जूनियर टूथपेस्ट, जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, वो बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये मैं एज अ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने यूज़ किया है अपनी डॉटर के लिए, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। पतंजलि जूनियर बच्चों के लिए बहुत अच्छा टूथपेस्ट है। पतंजलि टूथपेस्ट मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है और उसमें बहुत सारे फ्लेवर होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, मैंगो, बहुत तरीके के फ्लेवर होते हैं, तो बच्चों को वो करने में बड़ा मज़ा आता है और आप इजीली उन्हें टूथब्रश करवा सकते हैं। थर्ड थिंग, हमेशा याद रखिए कि बच्चों को जब आप टूथब्रश करवा रहे हैं तो पेस्ट सिर्फ पीनट साइज का, यानी कि इतना सा लीजिए, ये नहीं कि आप इतना सारा पेस्ट भर रहे हो और उनसे ब्रश करवा रहे, नो, हमेशा इतना सा पेस्ट लीजिए और उनको ब्रश करवाइए। वरना क्या होता है, कुछ पेरेंट्स तो ध्यान नहीं देते, इतना पेस्ट दे देते और करो, बच्चे खा रहे हैं, गिरा रहे हैं, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतना कभी भी नहीं यूज किया जाता है, सिर्फ इतना सा टूथपेस्ट यूज किया जाता है और उतने से ही बच्चों को टूथब्रश करवाया जाता है। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप अपने बच्चे को नया नया टूथब्रश करना सिखा रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को गार्गल करना सिखाएं, दैट मीन्स कुल्ला करना सिखाएं। इससे क्या होगा, बच्चा इससे क्या होगा कि जब वो टूथब्रश करेगा तो वो अंदर नहीं लेगा, उसे बाहर फेंकेगा। आप उन्हें सिखाए कि कैसे पानी मुंह में भरना है और फेंकना है, डालना है और थूकना है, भरना है और थूकना है, इससे बच्चा बहुत इजीली गार्गिल करना भी सीख जाएगा, इसलिए उसे पहले साफ पानी से गार्गिल करना सिखाए। जब आपका बच्चा गार्गिल करना सीख जाएगा, उसके बाद ही आप उसे टूथब्रश की आदत लगाए। और टूथब्रश कैसे करते, कुछ मम्मियों को ये प्रॉब्लम रहती है कि ये बहुत ही हार्ड ब्रशेस है, हम अपने बच्चों को कैसे करवाएं, भाई मेरे बच्चे के तो मुंह में लग जाएगी, हम उनसे फिंगर से ही क्यों ना करवाएं। नहीं, आपको कभी भी ब्रश फिंगर से नहीं करवाने, आपको ब्रश ही यूज करना है। अगर आपको ये हार्ड लगता है तो आप एक चीज कर सकते हैं, आप इसे कुछ देर के लिए, हाफ एन आवर के लिए गर्म पानी में डाल के भिगो कर रख दीजिए, जब वो ब्रश करेगा तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा और वो इजीली ब्रश कर पाएगा। चलिए, ये थी आज की मेरी कुछ टिप्स। अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।